हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। मैं एक न्यू वीडियो में आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अभी फिलहाल हूं दलन स्टेशन है, उसके बगल में जो है वो देख पा रहे होंगे आप लोग, एक ब्रिज बनाया जा रहा है काफी खूबसूरत। इस ब्रिज का कितना काम हुआ वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए मेरे साथ जुड़े हैं। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को थोड़ा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिए। तो सीधे लिए चलते हैं, आप लोग को दिखाएंगे ब्रिज और ब्रिज बन के कितना तैयार हुआ वो भी दिखाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है टू लेन है, इसलिए दो ब्रिज बनाया जा रहा है रेलवे ट्रैक के ऊपर। और खूबसूरत सा नजारा आप लोग को देखने को मिला होगा, और नजदीक जैसे से जाने के बाद और भी काफी खूबसूरत आप लोग को देखने में लगेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ब्रिज देखने को मिल रहा होगा इस तरह से आप लोगों को, क्योंकि यह बन के लगभग तैयार हो गया है और कुछ कुछ काम बचा हुआ, जिसका काम पूरा हो जाने के बाद इस ब्रिज का शुरुआत कर दिया जाएगा। क्योंकि यह जो है लंबा प्रोजेक्ट है, इसलिए थोड़ा कुछ समय और लग सकता है। तो इस तरह से आप लोग को ब्रिज देखने को मिल रहा होगा। इधर मैं दिखाऊं, इधर से दलन की ओर से जो सड़क आता है और ये सीधे नया टोल होते हुए मनिहारी की ओर जाएगी, नारायणपुर होते हुए, और इस तरह से ब्रिज आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। ये उधर काम चलता हुआ, एक ब्रिज का काम कर लिया गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया नीचे रेलवे ट्रैक है, इसलिए इसका काम किया जा रहा है। और इस तरह से आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, ये देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये सड़क आया हुआ है और ये सड़क सीधे आके ये ब्रिज होते हुए और आगे सीधे जाएगी मनिहारी की ओर, नारायणपुर होते हुए। नीचे भी रास्ता है, जैसे कि मैं बताऊँ इधर देख सकते हैं, इधर भी रास्ता है खूबसूरत सा आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। नजारा काफी खूबसूरत और ये ब्रिज। नजारा दिखा, नीचे से नजारा दिखाता हूँ आप लोगों को कि कितना काम हुआ है। और ये सब जो है ये सब आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा किस तरह से बना के रखा गया है, क्योंकि इसको जो यूज लाया जाएगा, ऐसे कि जो बनाया जा रहा है ब्रिज उसके यूज में लाया जाएगा। तो अभी फिलहाल देख सकते हैं इस तरह से दिख रहा होगा, जैसे कि मैं ऊपर था तो ऊपर से भी नजारा दिखाया और मैं अभी नीचे से नजारा दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से जैसे कि देख सकते हैं ये काम लगभग पिलर का पूरा कर लिया है, और इधर भी पिलर का काम पूरा कर लिया है, और ऊपर जो है सुपर स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, उसको अब बहुत जल्द इसमें जोड़ रहा होगा। ये नजारा आप लोग देख सकते हैं, बहुत जल्द इसका जो है जैसे कि ये बना के आगे इसमें आगे जोड़ा जाएगा, आगे भी काम चल रहा है और ये लगभग बन के तैयार है। और ये पिलर के साथ जोड़ा गया है, इसको धीरे धीरे आगे जो है ले जाया जाएगा घिसका के, और पिलर में पिलर से जोड़ दिया जाएगा, जैसे कि ये धीरे 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 क्योंकि बनता है पिलर से पहले ही, पिलर बन जाने के बाद इसको इसमें जोड़ा जाता है। तो ये बन के तैयार है, और मैं बात करूँ तो उधर भी बन के तैयार है, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद ऊपर पिचिंग का काम चलेगा इसके ऊपर, उसके बाद इसका काम पूरा कर लिया जाएगा, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। और जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया तो ऊपर भी काम कर लिया गया पिचिंग वाला, इसी के सपोर्ट पे, अभी इसी के सपोर्ट पे ये खड़ा है, लेकिन कुछ दिन बाद यह तो इसका जब काम पूरा कर लिया जाएगा। ये सब ऊपर से जैसे कि मैं नजारा दिखाया आप लोग को, ये नीचे का नजारा है, और मैं ये दूसरी साइड में हूँ, दूसरी साइड में जो है इस तरह से नजारा आप लोग को दिख रहा होगा। इधर भी जो है सड़क जो है बनाया जा रहा है, क्योंकि आसपास घर है बहुत सारा है, तो इसलिए ब्रिज के बगल में ही एक रास्ता बनाया जा रहा है। इस तरह से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि मैंने ऊपर से दिखाया, ऊपर से किस तरह से दिख रहा था आप लोगों को, ये देख सकते हैं भाई साहब ऑफ रोडिंग करने में, ये देख सकते हैं भाई साहब, ये रास्ता बहुत ही अजीब है लेकिन फिर भी चल रहे हैं।
बना रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार आए हैं तो, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, साथ साथ कमेंट। आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं, इसलिए लाइक कीजिए ताकि हम लोग को अच्छा लगे और अच्छा अच्छा प्लेस को मैं कवर करके आप लोग को दिखा पाऊँ। तो ये दिक्कतों का सामना करके बाहर निकल पाए, अभी भी दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा जल्द जल्दी चैनल को आगे बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज। तो अभी बहुत दिक्कतों का सामना करने के बाद फाइनली बाहर आ पाए, क्योंकि ऑफ रोडिंग करने में बहुत दिक्कत होता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा इसलिए